Ah, this is frog. Yeah. Oh. Yeah. Halibut. Hunterbug. Yeah, elephant. Good. ये बना रहे हैं लकड़ी से. You making this for this? Yeah. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग. कैसा है? आशा करते हैं बहुत बढ़िया. आज हम चंगराई में तीसरा दिन आज हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं. तो यहाँ पर हम लोग आज सुबह लॉन्ग नेक वाले ट्राइब को देखने जाएंगे, फिर हम लोग लाओस के लिए निकल जाएंगे. लेकिन हम तो दोस्तों हम बता रहे थे आज हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग नेक ट्राइब से मिलने के लिए, लेकिन हमें आंटी ने आज पे वो सैंडविच तो दिया, ये दिया है बनाना केक. तो हम सोचे इसके लिए एक वीडियो बना दें. और यहाँ पर कोई ये चीज़ मुझे लगा अच्छा, जब उसको खींचोगे ये बत्ती बंद हो जाएगा, फिर खींचोगे जलने लगेगा. ये दूसरा वाला खींचोगे तो पंखा चलने लगेगा, फिर खींचोगे तीन मोड है फिर बंद हो गया. हम लोग हॉस्टल के पीछे है, यहाँ पर एक मॉर्निंग मार्केट लगता है साग सब्जी का सब का. तो ये देखो बैगन है, इंडियन जैसे ही है ये, लेकिन फ्रेंड का तो भी अलग है. खीरा है, फिर रस्सा से छोटा छोटा मशरूम, अच्छा मुर्गी भी मिल रहा है. ये तो अदरक वाला साग है, ये पुदीना है. बाकी काफ़ी बड़ा मार्केट है यहाँ पर. आप लोग जानते हो इसको कमेंट बताओ ये है क्या. ये चीज मांगुर मछली मिल रहा है कि यहाँ पे तो मुर्गी है, ये साग है. एक चीज़ बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग हॉस्टल सामने एक्सीडेंट हो गया था, हम उसको वीडियो नहीं बनाना चाहते, लेकिन बताना चाहते हैं जैसे हमारे वार्डन ने कॉल किया, एम्बुलेंस काफ़ी फास्ट आ चुका है, काफ़ी फास्ट. तो मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर बहुत अच्छा है. द एम्बुलेंस कम इन 2-3 मिनट्स ना, वेरी फास्ट. आवर प्लेस वेरी गुड. लॉन्ग नेक ट्राइब वाला के पास वो गली में आ गए हैं. देखो लॉन्ग नेक ट्राइब करेन विलेज है, 2 किलोमीटर है, और ये खुला रहता है डेली 7 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है, और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है, नहीं 2 किलोमीटर है. तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये चीज़ है, आपको देखने को मिलेगा आप यदि यहाँ पर आओगे तो. ये देखो ये दोस्तों ये लॉन्ग नेक ट्राइब है, इसी से हम लोग मिलने जा रहे हैं. तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए यूनियन द हिल ट्राइब विलेज, द लॉन्ग नेक करेन. ये करेन विलेज है, ये देखो ये खुला हुआ है और यहाँ से ये जाने का रास्ता है. तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए उस ट्राइब के गांव पे, और आज ये नया टी शर्ट मैंने कर लिया, बताओ कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना. और ये देखो यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है, और इधर भी है सेम चीज़, क्या क्या इनके पास वो भी चीज़ बताया गया है. तो दोस्तों ये यहाँ पर घुसने का और 300 बात लिए यहाँ पर से गाँव, 300 बात लिए. ये लॉन्ग नेक ट्राइब है. हमें ये डंडा मिला है, फील तो केदारनाथ वाला आ रहा है. और ये देखो ये गांव, बांस से सब चीज़ें यहाँ पे. ये है अखा विलेज, तो यहाँ के लोगों से मिलते हैं जाके. हाँ 100 बात. Ah, this is frog. Yeah. Oh. Haliba. 100 baht. Yeah. This is a hali. Yeah, elephant. Achha. Elephant. Elephant. Good. One hali baht. Okay. And this one? This? 150 one hali. Okay. 3. Yeah. Oh. Yeah, 1, 2, 1, 2, 3, Haliba. Oh, okay. Okay. Yeah.
ये है ये लोग का झोपड़ी। ये लोग थोड़ा झोपड़ी जमीन से थोड़ा ऊपर बनाते हैं, जैसे ये बीप दे के कोई जंगली जानवर ना आए बोल के। और ये देखो ये बैगन लगाया है इन्होंने, बाकी तो फूल वैसे ही है इंडियन जैसे सब है। ये मुर्गी उर्गी है हम लोग का घर जैसे ही। ये लकड़ी उकड़ी ने रखा है बचा के। इनके पास बहुत सारा ये गहना तरह का है। दिस आर फॉर 100 बात का है। ये 100 बात ये 200 ओके ये 3 100 ये इसका मुर्गा मुर्गियां तो हम लोग की तरह ही है यार। तो यहाँ पर इन्होंने रखा है वाइल्ड पिग, मतलब जंगली सुअर। ये देखो ये है वाइल्ड पिग। ये लोग भूखा है लग रहा है, कुछ खाने का देगा। तो दोस्तों हम एक स्टॉल में आए हुए हैं और ये है सिक्का, ये बता रहे थे ये। तो इनका ये स्टॉल है और ये बना रही है। अच्छा एक ये धागा है कि उधर से इधर ये पार करते हैं फिर इसको उधर से नीचे खींचते हैं। तो दोस्तों हम लोग जिसको देखने आए थे वो देखो इस लाइन पे अभी सबसे आखिरी में हम लोग जा रहे हैं और यहाँ भी वही चीज़ बन रहा है सड्डी खा। तो ये वही चीज़ ये बना रहे हैं स्टॉल की तरह है। और ये देखो हाउ मच फॉर दिस, हाँ 200 बात। अच्छा ये 200 बात बोल रहे हैं। और इनके पास ये काफ़ी सारा अभी सामान है बेचने का। सेम चीज़ यहाँ पर सब चीज़ वही है, ये बिक रहा है सद्दी खा। और तो दोस्तों हमने यहाँ पर आ गए हैं करीन विलेज के जो ट्राइब है। ये देखो ये पहने हुए हैं गला में सद्दी खा। तो ये हैं और ये देखो इनके पास वही सामान सब बिक रहा है और ये पहने हुए। तो ये है इनका शॉप और ये बना रहे हैं लकड़ी से। यू मेकिंग दिस फॉर दिस, या ये देखो दोस्तों ये वाला है ना, इसको ये लोग पूरा गला में पहनते हैं। ये है लॉन्ग लैक कयान जो विलेज था ट्राइब था। और यहाँ पर ये बैठी है सड्डी का। तो ये है और इनका यहाँ पर ये दुकान है, सब यहाँ पर सेम ही है। और यो नेम मप्रा, हाँ गुड नेम। तो दोस्तों इस ट्राइब का ये स्कूल है, देखो छोटा सा स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों जैसे पता चला जो ये ट्राइब है ये मेनली ओरिजिन है इनका म्यांमार से, लेकिन म्यांमार में इतना वार चल रहा है, आर्मी रूल चल रहा है, इस वजह से वहाँ पे से सरकार ने इनको टूरिज्म के लिए बुलाया है और यहाँ पे इनको रहने के लिए दिया है। तो इनसे इनको भी फ़ायदा हो रहा है, सरकार को भी फ़ायदा हो रहा है, टूरिज्म में आ रहा है, 300 बात लग रहा है। और ये देखो इनका यहाँ पर काफ़ी सारा घर है, तो इनसे इनको भी फ़ायदा है, लोगों को भी इस ट्राइब को यहाँ देख ले रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम इनके साथ बैठे हुए थे और हमने ये पहन के फ़ोटो खिंचाया ऐसा करके, तो अच्छा था। और योर नेम मुकमाई, गुड नेम, इनका मुकमाई नेम है। और ये इनका शॉप है, देखो काफ़ी सारा चीज़ है इनके पास। तो दोस्तों हम लोग एक जगह पे आए हैं और यहाँ पे ये ट्राइब लोग अपना घर बना रहे, पता नहीं बारिश में टूट गया भीग गया था। तो देखो ये इनका ये गिर गया है, तो इनको अभी ये बना रहे हैं।
ये इसको बना रहे हैं। और देखो यहाँ पे ये ना, वो देखो ये बना बना के लाए ये वाला, और इसको एक एक लेयर में देते जा रहे हैं। देखो एक दो तीन चार, उसके पीछे के एक प्लास्टिक देते जा रहे हैं। ये देखो ये प्लास्टिक लेते आए हैं, तो ये इनका वाटरप्रूफ भी हो जाता है। ये देखो इधर से दिख रहा होगा, एक एक लेयर में देते गए। ये छोटी सी बच्ची है, सड्डी खा इसका ये जेसी भी है, और ये अच्छा जगह है। ये देखो ये इनका पिक्चर है, ये दुकान है, और ये स्टॉल आपको दिखाए थे तो ये बना रही है। इट्स गुड। ये देखो दोस्तों, ये गुलेल मिला इन लोगों के पास, ये बंदूक भी है बच्चों लोग का। ये हवा दुखने वाला चाइनीज है, ये पेंसिल है कलर पेंसिल, और ये लॉकेट है। और ये हाउ मच फॉर दिस? 2000 बात 2000। भाई ये तो गजब का रोटावेटर है, पूरा एकदम जमीन से सटा हुआ है। मुझे लगता है यहाँ थाईलैंड में पहाड़ है चंगराई में, उसी लिए ऐसा रोटावेटर है, पूरा एकदम सटा हुआ है, देख रहे हो। कितने में दिया? यहाँ पर दोस्तों 5 ट्राइब है। पहला मिलेगा आपको अक्का, लेमोनिया, फिर लाहू, फिर लॉन्ग नेक करीम, और ये कायोर। तो दोस्तों ये है चंगराई का खेत, इन्होंने धान लगा रखा है, काफ़ी मस्त जगह है।